यहाँ पर देखते हैं हम कि इस वैल्यू का एंटीलॉग कैसे निकालेंगे. ओके तो यहाँ पर देखिए क्या है, 14.5 है. ओके तो यहाँ पर देखिए जो भी पॉइंट के पहले डिजिट है क्या है, 14, उसको हम यहाँ पर ले लेंगे 10 to the power 14. ओके अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है. ओके तो हम क्या लेते हैं, एक ज़ीरो ले लेंगे. ओके तो यहाँ पर हम लेंगे 14.50. ओके मतलब 0.50 का ज़ीरो में देखेंगे. ओके 50 का ज़ीरो कितना है, एंटीलॉग में चेक करते हैं. सो दिस इज़ 50. 50 का ज़ीरो कितना है, 3162. ओके तो यहाँ पर हम लिखेंगे डैट इज़ 3162. ओके और एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे. ओके ये आ गई हमारी वैल्यू. ओके सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, डैट इज़ एंटी लॉग ऑफ 42.71. ओके तो यहाँ पर देखिए डेसिमल के पहले क्या है, 42, तो उसको हम लेंगे पावर में, डैट इज़ 10 to the power 42. ओके यहाँ पर हम देखेंगे 71 का ज़ीरो में, ठीक है आगे कोई भी डिजिट नहीं है, ठीक है इसके लिए हम देखेंगे 71 का ज़ीरो. ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं 71 का ज़ीरो क्या है. तो यहाँ पर देखिए 71 डैट इज़ 0.71 का ज़ीरो है 5129. तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5219. और एक डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे.